पुजुरदेव कटनी मध्य प्रदेश से मयूक जैन पाटन परिवार। गुरुदेव आयु बंध कब होता है और कैसे पता चलता है कि आयु बंध हो गया है? देखिए सवाल प्राय आता है। जैन धर्म के अनुसार 8 कर्मों में 7 कर्म का बंध तो निरंतर होता है, लेकिन आयु कर्म हर समय नहीं बंधता। अपनी वर्तमान आयु के 2/3 बीच जाने पर जब 1/3 आयु शेष रहती है तब कोई जीव आयु बंध करने के योग्य होता है। समझने के लिए यदि किसी की आयु 81 वर्ष की है तो वो 54वें वर्ष में अपनी आयु बांधने के योग्य होगा। जिस समय उसकी आयु 54 वर्ष की होगी तब होगा, पर ये कोई ज़रूरी नहीं कि उस घड़ी उसकी आयु बंध ही जाए। अगर उस घड़ी में उसकी आयु का बंध हो गया तब तो ठीक, यदि नहीं बंधी तब उसकी बची आयु 27 वर्ष में से 2/3 यानी 18 वर्ष बीत जाने पर यानी 72 वर्ष की उम्र में दूसरी बार आयु बांधने के लायक होगा। यदि उस घड़ी भी उसकी आयु कर्म का बंध न हो तब उसकी बची आयु में 9 वर्ष है, 9 वर्ष में 6 वर्ष निकाल दें अर्थात 78 वर्ष में तीसरी बार आयु बांधने योग होगा। यदि उस घड़ी भी उसकी आयु का बंध नहीं हुआ तब उसकी आयु बची 3 वर्ष, उसका 2/3 2 वर्ष निकाल दिया तो 80 वर्ष में चौथी बार आयु बांधने के योग होगा। अगर उस घड़ी भी नहीं बंधी तब उसकी 1 वर्ष की आयु बंधी, 2/3 निकाल दो 8 महीना निकाल दो तो 80 वर्ष 8 माह में 5वीं बार आयु बांधने के योग होगा। अगर उस समय भी नहीं हुआ तब उसकी 4 माह बची, अब निकालते रहना। ऐसे 8 मौके आयु कर्म के बंध के योग्य होते हैं। महाराज ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयु कर्म के योग्य विशेष परिणाम चाहिए, भाव चाहिए, उसी में आयु बंधती है। अगर इसमें नहीं बंधी तो मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व आयु नियमतः बंधती है। आपने पूछा कि ये कैसे पता चलेगा कि आयु बंधी या न बंधी? हालांकि ये दिव्य ज्ञानियों का विषय है पर शास्त्रों के आधार पर स्थूल अनुमान जरूर लगा सकते हैं। अगर आपके मन में व्रत संयम का भाव जग रहा है तो समझना मेरी आयु नहीं बंधी, और बंधी भी है तो खोटी आयु नहीं बंधी। देवायु को छोड़कर अन्य आयु बंध जाने वालों के मन में व्रत संयम का भी भाव नहीं होता। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो बड़ा व्यसनी था, अपने इलाके का डॉन था, धर्मी, साधु संतों की सेवा में आगे आना, प्रवचनों में आगे आना, प्रवचन का ऐसा रसिक कि समय सार की ऐसी व्याख्या करे कि आप भी मुग्ध हो जाओ। लेकिन उसकी सुबह की शुरुआत शराब से होती थी। मेरे संपर्क में था, मैंने अनेक बार उससे बोला भैया इस दुर्बलता को दूर करो, तो कहता था महाराज अब ये तो इस पर्याय के साथ जाएगी, ये इस पर्याय के ही साथ जाएगी। वो व्यक्ति छोड़ नहीं पाया। मेरे मन में एक विचार आया कहीं इसकी आयु तो नहीं बंध गई, धर्म को समझ पा रहा है लेकिन जी नहीं पा रहा है। दान करने में आगे, सेवा करने में आगे, पैसा था, उदार भी था, लेकिन अपने यहां का डॉन था। मन में आया इसकी आयु तो नहीं बंध गई। एक घटना ने मेरी धारणा को बल दे दिया।
आगम में ऐसा कहा गया है कि अकाल आयु बंधने के बाद अकाल मृत्यु नहीं होती। अगर अगली भव की आयु बंध जाए तो आपके ऊपर वज्र भी पटक दिया जाए तो अकाल में नहीं मरोगे, आयु पूरी करके ही मरोगे। उस व्यक्ति के साथ एक घटना घटी। वो एक गांव में गया वसूली के लिए, शराब के नशे में था। गांव वालों ने उसे बाताबाती हो गई, 12 बोर की बंदूक छाती पे अड़ा दी, चला दे। इसने सोचा ये मजाक कर रहे, नहीं चलाएंगे। सामने वाले ने चला दी, आप ताज्जुब करोगे, कारतूस अंदर ही फट गई, उसका कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उसे सिर पर फरसा का वार किया गया, सिर फट गया। वहाँ से भागा, एक महिला ने उसे शरण दी, एहसान थे उसके। वो उसकी साड़ी से सिर बांधा वहीं छिपा रहा। 2 घंटे के बाद पुलिस आई, उसे सुरक्षित लेकर के गई, हॉस्पिटलाइज हुआ, टांके लगे। शाम को लोग मिलने के लिए गए तो अस्पताल में ताश खेल रहा था। स्वस्थ सलामत, मुझे लगा इतनी बड़ी दुर्घटना में अकाल मरण न होना, कोई न कोई कारण को उजागर करता है। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि वो खोटी आयु ही बांधा हो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को ऐसा कहना भी उसके लिए दुख होगा, लेकिन संयम का भाव नहीं हो रहा है जानते हुए भी, तो ये समझ करके चलना चाहिए कि ये मेरी दुर्गति का कारण है। राजा श्रेणिक की अशुभ आयु का बंध हो गया था, नरकायु का। भगवान महावीर का खास शिष्य था, 60,000 सवाल उसने किए, लेकिन एक भी व्रत अंगीकार नहीं कर सका। नरक जो जाना था, तो बस जब तक व्रत संयम का भाव हो रहा है तब तक समझ करके चलना चाहिए, हम सलामत हैं।